और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। कांवड़ यात्रा रूट में नेम प्लेट विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। नेम प्लेट के समर्थन में दाखिल की गई है नई अर्जी और इस मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग भी की गई है। अर्जी में शिव भक्तों के मूल अधिकारों का हवाला दिया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब नेम प्लेट के समर्थन में भी एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है और इस अर्जी में शिव भक्तों के मूल अधिकारों का हवाला दिया गया है। पहले ये मामला तब संज्ञान में आया था जब पोस्टर लगाने की जो आदेश है वो प्रशासन की तरफ से दिए गए थे, उसके बाद में यूपी सरकार की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, अंतरिम रोक लगाई गई थी। अब नेम प्लेट के समर्थन में भी एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और इस अर्जी में शिव भक्तों के मूल अधिकारों का हवाला दिया गया है। और दिल्ली में आज से बीजेपी की दो दिवसीय बैठक होनी है और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा, साथ ही आगे के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। इसमें यूपी को लेकर खास चर्चा होने की बात सामने आई है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फोकस करने के लिए खास रणनीति बना रही है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है। सीएम योगी ने भी कार्यकर्ताओं और साथ ही जनप्रतिनिधियों के लिए प्लान 18 तैयार किया है, जिसमें सीएम योगी विधायकों, सांसदों और साथ ही जनप्रतिनिधियों से मिलकर हर मंडल का फीडबैक ले रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों और जमीनी फीडबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी इन दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के प्लान पर तेजी से काम कर रही है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को आयोग बोर्ड और निगमों के अलावा गन्ना समिति में डायरेक्टर और चेयरमैन के पदों पर समायोजन करने पर भी विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में क्षेत्रीय अध्यक्षों से बोर्ड निगम आयोग और गन्ना समिति के डायरेक्टर और अध्यक्षों के नाम का पैनल 3 अगस्त तक मांगा गया है। क्षेत्रीय अध्यक्षों को इस पैनल में 3-3 नामों का पैनल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है, इसमें कोई शक नहीं। कार्यकर्ता का मान और कार्यकर्ता से सामंजस्य, संवाद, संपर्क, ये अभियान चलता रहता है। बैठकों का दौर तो चलता ही है, निचले स्तर पर, शीर्ष स्तर पर, तो कार्यकर्ता की जितनी समस्याएं हैं, उनका समायोजन है, उनका सम्मान है, इसके लिए पार्टी चिंतित है और उस दिशा में नेतृत्व को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की रणनीति के तहत ही बीजेपी लगातार बैठक भी कर रही है। इसी के तहत हुई बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी ने बैठक में तय किया कि गन्ना समिति के निदेशक और अध्यक्ष के पदों पर कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाए और उनका समायोजन किया जाए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोर्ड निगम और आयोगों में बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं के समायोजन में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में अपने जोश भरने के लिए अब उनके समायोजन की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बोर्ड निगम और आयोगों में जो पद खाली हैं उनमें कार्यकर्ताओं का समायोजन करने जा रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों से कार्यकर्ताओं का ब्यौरा मांगा है। यही नहीं, गन्ना समिति में निदेशक और चेयरमैन के लिए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी और उनका समायोजन करेगी। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष की हर रणनीति को मात देने के लिए प्लान 18 पर तेजी से काम कर रहे हैं। प्लान 18 के तहत सीएम योगी यूपी के सभी 18 मंडलों के जन प्रतिनिधियों के साथ एक एक कर बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने बरेली मंडल के विधायकों के साथ बैठक की और उनका फीडबैक जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो मंडल है वो अपने आप में
अद्भुत है और प्रेरणादायक है और लोग भी जनता से संवाद बनाना, अधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से और जनप्रतिनिधि से। मुख्यमंत्री जी इसमें गंभीरता से जो प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है और लगातार जारी है, इसके नतीजे भी निकल रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और प्रशासन पर लगाम लगाई जा रही है जिससे जनता को राहत। दरअसल प्लान 18 के तहत सीएम योगी हर मंडल का फीडबैक ले रहे हैं, विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों से मीटिंग कर रहे हैं। सीएम योगी विकास कार्यों की जानकारी भी जुटा रहे हैं, साथ ही अधिकारी टाइम पर काम कर रहे हैं या नहीं इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। अधिकारी विकास कार्यों में देरी तो नहीं कर रहे इसकी भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पिछड़ने की क्या वजह रही इस पर भी मंथन किया जा रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में विधानसभा उपचुनाव होना है और फिर मिशन 2027 के लिए भी माहौल बनाना है, लिहाजा सरकार और संगठन हर स्तर पर अपने आप को मजबूत करने का प्लान लेकर चल रही है। विपक्ष को चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में प्लान 18 पर काम कर रहे हैं। ये प्लान 18 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। मंडल वाइज अनुसाई के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। करगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन करेगी और हर जिले में मशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। मशाल रैली में जगह जगह पर विजय दीप भी जलाए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 25 जुलाई की शाम को दिल्ली में इंडिया गेट पर मशाल रैली में शामिल होंगे और 26 जुलाई को देश भर में कई जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इरफान सोलंकी ने कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ में हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। अपील में सजा को रद्द किए जाने की मांग है। इरफान सोलंकी अभी यूपी की महाराजगंज जेल में बंद है और इसी मामले में उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। दोनों की अपीलों पर एक साथ सुनवाई हो रही है। ट्रायल कोर्ट के सजा सुनाए जाने के बाद में इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता निरस्त हो गई थी। उनकी सीसामऊ सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है। रायबरेली में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में आज प्रशासन ने कार्रवाई की। इंडस्ट्रियल एरिया की लगभग 1 बीघा से ज्यादा जमीन जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई है। दरअसल यहां के धर्मेंद्र सोनकर के नाम यूपी सीडा ने जमीन अलॉट की थी, लेकिन इस जमीन पर एक दबंग ने कब्जा कर लिया है और इसके खिलाफ धर्मेंद्र सोनकर काफी समय से लड़ाई भी लड़ रहे थे और इसके बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद में बुलडोजर कार्रवाई की गई। ये अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय के आदेश के क्रम में जो वहाँ के वास्तविक आवंटी थे धर्मेंद्र कुमार सोनकर, उनके आवंटन पर ये अर्चना अग्रवाल पुत्री नवल किशोर और उमेश नवल किशोर ये लोग कब्जा किए थे। उसको नायब तहसीलदार और पुलिस बल की सहायता से हटा करके वास्तविक जो लीगल वहाँ के आवंटी हैं उनको कब्जा दिलाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में बस्ती में एक बंद पड़े घर में 26 अजगर के बच्चे मिले हैं। हालांकि काफी तलाश के बाद भी मादा अजगर का पता नहीं चल पाया। बस्ती के बनकटी ब्लॉक का मामला है। वन विभाग की टीम ने अजगर के बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की जमीन पर महिला संरक्षण गृह और गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और डीएम नवदीप सिंह चहल को पत्र लिखा है। 20 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों को आदेश दिया था, जिसके बाद में प्रयागराज विकास प्राधिकरण का खाका एक्टिव हो गया था।
इससे पहले भी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाया गया जिसमें लोग रह रहे हैं। हरदोई में एक शख्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि शख्स ने एक लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर गर्भवती कर दिया और फिर लड़की पर गर्भपात का दबाव बनाया। गर्भपात के दौरान में लड़की की मौत हो गई और उसके बाद में लड़की को दफनाने का आरोप है। मामला हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र का मामला है। जिस लड़की की मौत हुई है उसके भाई ने यह आरोप अपने गाँव के विजय सिंह पर लगाया है। इस मामले में गाँव के प्रधान बलराम पाल पर विजय सिंह का साथ देने का भी आरोप है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एएसपी और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। गांव के एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी क्रम में वह प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी लड़के के कहने पर उसके छोटे भाई और मौसी के लड़के गांव के प्रधान द्वारा उसको एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका गर्भपात कराया गया। गर्भपात कराने के दौरान ही उसको दिक्कत हुई और उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद तत्काल इनके जो भी इनके छोटे भाई गुराम प्रधान इन लोगों के द्वारा गांव पे लाया गया और उसे दफना दिया गया। इस तरह की सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा इसमें FIR पंजीकृत की जा रही है। बिजनौर में एक शख्स ने अपनी पत्नी के भाई पर हमला कर दिया। शख्स की पत्नी ससुराल नहीं आ रही थी, वो मायके में ही रह रही थी, इस बात से वो नाराज है। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। और कन्नौज में एक नशे में धुत दबंग ट्रक चालक ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की है। ये देखकर मौके पर मौजूद ट्रैफिक सिपाही बाइक सवार को बचाने के लिए दौड़ा तो उस पर भी ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया गया। किसी तरह से सिपाही ने अपनी और बाइक चालक की जान बचाई और नशेड़ी चालक को स्थानीय पुलिस की मदद से पकड़वाया तो चौकी इंचार्ज से भी भिड़ गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय मीरा का ये पूरा मामला है। मैं इसको रुकवाने के लिए आगे बढ़ा, ट्रक के आगे खड़ा, वो तभी कोमल तांतू को निकाल पाया। तब तक एक गाड़ी सब मेरे बगल से ही बच बच गया। मैं भी रोक जाता उसी तक। अभी इसके बाद गाड़ी भी नहीं रोका, गाड़ी सीधा भगा के लेके चला गया। अभी क्या हुआ जब सराय मीरा चौकी इंचार्ज आया, अभी क्या हुआ जब उसको पकड़ा? जब उनको पकड़ाया चौकी इंचार्ज की लपट गया, धक्का मुक्की कर दी, धक्का मुक्की हुई, हाथापाई कर दी, क्या हाथापाई भी हो गई। आगरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अज्ञात गाड़ी ने सगे भाई और बहन को टक्कर मार दी। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और भाई बहन की मौत होने से परिवार में मातम है। हादसा इत्मादपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में पिछले दिनों हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। युवक की पत्नी ने ही उसकी हत्या की थी। दरअसल युवक शराब का आदी था। शराब पीने के बाद में घर में लड़ाई झगड़ा करता था जिससे कि परेशान होकर पत्नी ने पहले सिर पर हमला किया। हमले में जब वो बेहोश हो गया तब रस्सी से गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शराब का आदी था और जब भी मजदूरी करती थी उसका पैसा और घर में कुछ भी रहता था तो उसको ले करके वो शराब पी जाता था और जिस दिन घटना हुई उस दिन वो शराब पी करके गांव के बाहर पड़ा था और वो जब गई तो उसके साथ बदसलूकी की और उसी के बाद उसने रस्सी से गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद कुछ ईंट पत्थर भी वहाँ पर था जिसको लेकर उसे चोट पहुँचाई थी। उसे पूरी घटना को स्वीकार किया है, इसको विचार करते हैं। जौनपुर के मछली शहर में जमीन के विवाद पे दो भाइयों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। हाथापाई के बीच में बड़ा भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया जिसके बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। जो कि खेत में कार्य कर रहे थे किसी बात पर आपस में विवाद हो गया तथा हाथापाई हो गई जिससे राय साहब मौके पर खेत में गिर गए।
जिन्हें उठा के तत्काल उनके परिजन CSC मछली शहर इलाज हेतु ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग का पंजीकरण कराया जा रहा है तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वाराणसी में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने के लिए अफ्रीका के डेलीगेट्स पहुंचे। अफ्रीका के डेलीगेट्स ने सीवेज के शोधन के तरीके को बारीकी से जाना और साल 2014 के बाद में काशी में बने नए ट्रीटमेंट प्लांट की अफ्रीकी दल ने तमाम जानकारियां भी ली। बनारस में ये रमना STPMR जो 80 नदी में इस समय सीवेज प्रवाहित हो रहा है, उस सीवेज का शोधन किया जाता है। नगवा पर हमारा मुख्य पंपिंग स्टेशन है 50 MLD क्षमता का, वहाँ से इस रॉ सीवेज को रमना स्थित इस STP प्लांट पर लाया जाता है। ये STP SBR तकनीक पर आधारित है, जिसमें फीकल कॉलीफॉर्म के लिए क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक भी लगा हुआ है। इस प्लांट के जो शोधित अवजल के मानक हैं वो BOD 10, TSS 10 और फीकल कॉलीफॉर्म 100 MPN पर 100 ML है, और वर्तमान में हम इन मानकों को पूरी तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। कुशीनगर में गंडक नदी में फंसे 4 लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस के जवानों ने रस्सी की मदद से चारों लोगों को बाहर निकाला। दरअसल नदी से लकड़ी निकालने लोगों की नाव नदी के तेज बहाव की वजह से पलट गई थी और चारों लोग पुल के खंभे तक पहुंचे थे और चारों लोगों की आवाज सुनकर पास में बने मंदिर के पुजारी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और जिसके बाद में टीम मौके पर पहुंची और सभी को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया गया था टीम की तरफ से और एक एक कर सभी को बाहर निकाला गया। नाव मछली पकड़ने कुछ लोग गए थे, उनकी नाव थमले से टकराने के कारण जो क्षतिग्रस्त हो गई, पलट गई और कुछ लोगों के अटक जाने की, फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने पे 10-15 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पहुँचे। SDRF की टीम भी 20 मिनट के अंदर यहाँ पहुँची। माननीय विधायक जी भी उपस्थित हुए।